हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन फूड अयोध्या। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही स्वादिष्ट आम का अचार। तो ये देखिए, आम के अचार बनाने के लिए सबसे पहले हमें आम को तोड़ लेना है, या फिर आप मार्केट से ला सकते हैं। तो मेरे यहाँ देखिए बाहर ही ढेर सारे आम लगे हुए हैं, तो मैं अपने ही पेड़ से इस तरीके से देखिए तोड़ लेते हैं, और आम में चोट ना लगने पाए इस तरीके से हम आम को एक एक बचा बचा के तोड़ेंगे। ये देखिए हमने आम तोड़ लिया है, और अब अच्छी तरीके से इसे धुल लेंगे, और धुलने के बाद 1 से 2 घंटे के लिए छोड़ देंगे, जिससे कि आम के ऊपर का सारा पानी सूख जाए अच्छी तरीके से, तब हम आम को काटेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक फ्रेंड ज़रूर देखिएगा। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ये देखिए आम अच्छी तरीके से सूख गया है, यानी ऊपर का पानी सूख गया है, इसमें पानी नहीं लगा हुआ है। अब इस तरीके से हम ऊपर वाला हिस्सा छील लेंगे, थोड़ा थोड़ा सा छील लेंगे। ये देखिए इस तरीके से अब ये छिल गए हैं। अब इसे हम कट कर लेते हैं। तो आप जितने छोटे टुकड़े करना चाहें आप कर सकते हैं। तो मैं बिल्कुल लंबे लंबे से टुकड़ों में इसे काट रही हूँ। तो पुराने समय में ऐसे ही बनाया जाता था, तो मैंने सोचा क्यों ना उसी तरीके से घर पर फिर से बनाया जाए। तो मैंने इस तरीके से इसे लंबे लंबे टुकड़ों में काट लिया है। तो पहले सारे आम को काट लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, सारे आम कट चुके हैं, और दोबारा से हमें इसे नहीं धुलना है, तो अब हम इसे धोएंगे नहीं। और देखिए बिल्कुल सूखा सूखा आम है, इसमें पानी नहीं लगा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर थोड़ा सा डाल देंगे हल्दी पाउडर। तो लगभग 2 चम्मच इस पर डाल देना है हल्दी पाउडर और नमक। तो हम शाम के समय इसमें नमक और हल्दी मिक्स कर रहे हैं, तो पूरी रात हम इसे इसी तरीके से लगा कर छोड़ देंगे, तो जो भी पानी इसमें से निकलना होगा निकल जाएगा। तो ये देखिए हल्दी और नमक डालकर अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। तो ये अच्छी तरीके से मिक्स हो गया है, ये देखिए। और जो दूसरा वाला आम है, इसमें भी हम हल्दी और नमक सेम जैसे पहले वाले आम पर लगाए हुए थे उसी तरीके से लगा देंगे। तो 1 से 2 चम्मच नमक इसमें हल्दी डालेंगे, और नमक थोड़ा सा ज़्यादा ही डालेंगे, अचार में नमक ज़्यादा रहता है तो जिससे अचार ख़राब नहीं होता है। तो फ्रेंड्स ये देखिए हमने 2 चम्मच इसमें नमक डाल दिया है, और अब अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। तो एक साथ ही हम दोनों तरह का अचार बनाने वाले हैं, एक ही दिन में दोनों बन जाएगा, तो बार बार हमें अचार बनाने का झंझट नहीं करना पड़ेगा। इस तरीके से हम एक साथ ही पूरा अचार बनाकर तैयार कर सकते हैं एक ही मेहनत में। तो देखिए फ्रेंड्स, दोनों आम में हमने अच्छी तरीके से नमक और हल्दी लगा दिया है। अब इसे रात भर के लिए इस तरीके से ढककर छोड़ दीजिए, और अच्छे से हम इसे ढक देंगे और ढककर छोड़ देंगे। तो फ्रेंड्स ये देखिए सुबह हो गई है, हमने रात भर के लिए इसे छोड़ दिया था, तो इस टाइम लगभग सुबह के 10 से 10:30 के बीच में टाइम हो गया है घर का। जब सारा काम हमने निपटा लिया है तब हमने इस आम को देखा है इसे छत पे डालने के लिए। जब हमें टाइम मिला तो इतना पानी देखिए निकल आया है इसमें से, और जबकि आम में पूरी तरीके से देखा था आपने, सूखा सूखा सा आम था, पानी बिल्कुल नहीं था। तो ये आम का ही पानी है। अगर आप चाहें तो इस पानी को इस्तेमाल भी कर सकते हैं अचार में, लेकिन हम बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करने वाले हैं, हम थोड़ा सा हटके बनाएंगे जिससे कि कोई भी रिस्क ना रहे अचार ख़राब होने का। तो अब हम अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे पूरे आम को, ये देखिए इतना पानी इसमें से निकला है, और हमें इसे सूखा भी लेना है, तो 2 से 3 घंटे के लिए हम इसे छत पर डालेंगे धूप में। अगर धूप ना हो तो आप ऐसे ही इसे पानी को हटाकर सारे मसाले मिक्स करके बना सकते हैं, अचार बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। लेकिन हमारे यहाँ धूप है तो हम इसे धूप में डाल देते हैं। तो हम इसे ज़्यादा देर तक धूप में नहीं डालेंगे, सिर्फ 3 घंटे के लिए डालेंगे, ऊपर का हल्का सा लेयर इसका सूख जाए बस। तो देखिए बहुत तेज़ धूप है फ्रेंड्स, अब ये बहुत ही जल्दी सूख जाएगा। तो ये देखिए हम 3 घंटे के अंदर ही आम को फिर से उतार कर ले आए हैं नीचे।
और इस तरीके से आम सूख गया है, आप देख सकते हैं। और अब हम इसमें मसाले ऐड करते हैं। तो सबसे पहले हमने पीसी हुई सरसों इसमें डाला है, ये देखिए काली वाली सरसों है, इसे सिर्फ हमने सुखाकर और पीस लिया है, इसे भूना नहीं है, कच्ची सरसों है, इसे राई भी कहते हैं। तो ये काली वाली है, आप पीली वाली भी डाल सकते हैं। अब इसमें डाल देंगे हल्दी पाउडर। तो हल्दी पाउडर हमने पहले भी डाला था, तो इसमें हल्दी पहले से लगी हुई है, लगभग 2 चम्मच हम इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर। उसके बाद डाल देते हैं पीसी हुई मंगरेल, तो इसे हमने भूनकर और पीस लिया है, तो 2 चम्मच इसको इसमें डाला है। अब पीसी हुई सौंफ डालेंगे, तो सौंफ को भी हमने थोड़ा सा भून लिया था और भूनने के बाद पीस लिया है, तो 2 चम्मच इसमें डाल देंगे। और थोड़ा सा हम डाल देंगे साबुत सौंफ, ये कच्ची सौंफ है, इसे हमने भुना नहीं है, तो इसका भी फ्लेवर बहुत अच्छा आता है अचार में। अभी हम डाल देते हैं पिसी हुई लाल मिर्च, तो सिर्फ 1.5 चम्मच है, तो थोड़ा सा हम और भी डालेंगे, इतने में तो थोड़ा कम तीखी होगी, तो हम बहुत ही तीखा अचार बनाने वाले हैं, चटपटा सा अचार। तो हम डाल देते हैं इस पर सरसों का तेल, और तेल इतना डालेंगे कि सारे आम में अच्छे तरीके से तेल लग जाए। तो देखिए फ्रेंड्स, लगभग 1/2 चम्मच हमने फिर से इसमें लाल मिर्च डाल दिया है। अब ले लेंगे लहसुन, तो लहसुन को हमने छील लिया है, और छीलने के बाद कोई पॉलीथीन ले लेंगे और उसे इस तरीके से हल्के हल्के से, देखिए इसे इससे थोड़ा सा क्रश कर लेंगे। तो अगर हम अदरक वाले उसमें डालकर, यानी जिसमें अदरक कूटा जाता है उसमें डाल देते, तो काफ़ी स्मेल आने लगती है अदरक इसमें कूटने के बाद। तो इस तरीके से काम हमारा आसान हो जाता है, और वो ईमानदस्ता ख़राब भी नहीं होता है, क्या कहते हैं उसे, जिसमें अदरक को कूटते हैं, कूटनी। तो इस तरीके से देखिए फ्रेंड्स, हमने लहसुन को थोड़ा सा तोड़ लिया है, निक्रस कर लिया है, इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आने लगती है पूरे अचार में, और लहसुन भी मैश नहीं होता है, तो आप अचार के साथ इस लहसुन को खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो अब हम इसमें डाल देते हैं नमक, तो नमक थोड़ा सा ज़्यादा ही जाता है, तो हम डाल देंगे लगभग 4 चम्मच, क्योंकि जो पहले हमने डाला था हल्दी और नमक, तो नमक पानी के साथ सारा इसमें लगभग निकल चुका है, तो 4 चम्मच इसमें नमक डालकर मिक्स करेंगे। ये देखिए अच्छे तरीके से इसे मिक्स करना है। तो अभी हमने इसमें धनिया पाउडर नहीं डाला है, तो धनिया पाउडर भी डाल देंगे, तो धनिया को भून कर तब पीस कर इसमें डालना है। तो फ्रेंड्स, हमने एक वीडियो भी बना और भी बना रखा है आम के अचार का, जो आप लोगों ने बहुत ही प्यार दिया, उसे भी जिन लोगों ने नहीं देखा है, आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं, उसमें हमने अचार के मसालों को बहुत अच्छे तरीके से भून कर तैयार किया है, तो उस हिसाब से आप मसाला तैयार कर सकते हैं। तो इसीलिए वो अचार का मसाला बचा हुआ था, तो हमने दोबारा से अचार बनाया है और वही मसाले हमने इस्तेमाल किए हैं। तो वो वाली वीडियो आप जाकर देख सकते हैं, उसमें आप अचार का मसाला कैसे तैयार किया जाता है वो अच्छे तरीके से देख सकते हैं। तो हमने 2 मुट्ठी लगभग धनिया पाउडर डाल दिया है, और अच्छे तरीके से इसे मिक्स कर देंगे। तो फ्रेंड्स, आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, जिससे मुझे ये भी पता चल सके कि मेरी वीडियो कहाँ तक जा रही है। आप किस शहर से देख रहे हैं या किस गांव से देख रहे हैं, अपने शहर का या गांव का नाम कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। तो आप देख सकते हैं हमने कितनी अच्छी तरीके से मसाले को मिक्स किया है, और यकीन मानिए इतना टेस्टी वाला अचार बनेगा कि आप ऐसे ही बनाएंगे, बहुत ही स्वादिष्ट अचार बनकर तैयार होगा। अब हम इसे डिब्बे में रख देंगे, तो जिस बर्तन में रखेंगे उस बर्तन को बहुत अच्छी तरीके से साफ़ करेंगे, और 1 दिन के लिए इसे भी धूप में रखेंगे, उसके बाद हम अचार को इसमें रखेंगे। तो हमने देखिए इस तरीके से इसमें रख दिया है, और अब हम बनाते हैं गुड़ वाला मीठा अचार। इसके लिए हमने आम ले लिया है, अब उसमें डाल देते हैं हल्दी पाउडर, तो उसे हमने लगभग 1 चम्मच डाला है, और अब डालेंगे धनिया पाउडर 1 मुट्ठी, और थोड़ा सा साबुत सौंफ डाल देंगे, यानी कच्ची सौंफ, और पिसी हुई राई 1 मुट्ठी डाल देंगे, और डाल देंगे पीसी हुई मंगरेल, और अब हमें डाल देना है पीसी हुई सौंफ भी, तो उसे भी डाल देते हैं 2 चम्मच, और ये अचार बहुत टेस्टी बनेगा, गुड़ वाला बहुत ही चटपटा अचार बनकर तैयार होगा। और इसमें भी लहसुन डाल देंगे, और इसमें गुड़ डाल देते हैं, तो गुड़ जितना आपको मीठा खाना हो अपने हिसाब से इसमें डाल सकते हैं। हमने 2
बड़े बड़े से टुकड़े गुड़ के लेकर तोड़ लिए हैं और तोड़कर इसमें डाल दिया है। हमारे यहाँ भेली कहा जाता है, तो 2 भेली गुड़ हमने इसमें डाल दिया है। ये देखिए, इस तरीके से छोटे छोटे से टुकड़े करके डाल दीजिए, और बड़े भी रहेंगे तो कोई बात नहीं है, क्योंकि नमक के साथ मिलने के बाद जब ये धूप में रखा जाएगा तो अपने आप ही गुड़ अच्छे तरीके से गल जाएगा। तो फ्रेंड्स, अब हम इसमें नमक डाल देंगे और नमक डालकर अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। तो सरसों का तेल भी डाल देंगे, और ये देखिए इसमें डाल देते हैं कुटी हुई लाल मिर्च, और अब अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। तो इस अचार को फ्रेंड्स जरूर ट्राई करिएगा, और जो अब ये अचार बनकर तैयार हो जाएगा तो मैं दूसरा वीडियो भी अपलोड करूंगी फ्रेंड्स, कि बनने के बाद ये किस तरीके से देखने में हुआ है। तो ये भी मैं फर्स्ट पार्ट डाल रही हूँ, सेकेंड पार्ट देखिएगा, छोटा सा क्लिप मैं डालूंगी जिससे कि आप देख सकेंगे कि कितना स्वादिष्ट अचार बनकर तैयार हुआ है। ये देखिए, हमने अच्छे तरीके से सारे मसाले को मिक्स कर दिया है। और अब इसे हम डिब्बे में रख देंगे। तो ये देखिए, हमने डिब्बे में अचार को रख दिया है। अब इसे धूप दिखाना है, तो धूप में हम एक हफ्ते तक लगातार रखेंगे। उसके बाद देखिएगा, अचार बहुत टेस्टी हो जाएगा, एकदम से गल जाएगा। जब अचार गल जाएगा तब इसमें हम तेल भर देंगे, और गुड़ वाले में कुछ नहीं डालना है। बस ये अचार समझ लीजिए रेडी हो गया है, बस सिर्फ धूप में रखना है बस। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय माता दी फ्रेंड्स।